जी दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। दोस्तों, आज किस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश में डीएड में, या हम कहें डीएलएड में। चाहे तो दोस्तों आप डीएड कह लीजिए, चाहे आप डीएलएड कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों कोर्स का नाम एक ही है, पर जो नाम है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। कहीं कोई कोई इसे डीएड कह लेता है, कोई कोई इसे डीएलएड कह देता है, बात एक ही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर आपको डीएड में या डीएलएड में एडमिशन लेना है 2024-25 सेशन में, तो इसके लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए हमें सबसे पहले जो काम करना होता है वो काम होता है हमारा रजिस्ट्रेशन का। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें ऑनलाइन कैसे भरना है, पूरी प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आ जाना, यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक दिखाई। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा डीएलएड काउंसिलिंग का ऑप्शन, और दोस्तों यहाँ पर एमएड का भी दिखाई देगा, बीएड का भी दिखाई देगा। दोस्तों आप सोचेंगे कि हम इस वेबसाइट से बीएड के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो एमएड के लिए भी कर पाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों बीएड में और एमएड में अगर आपको एडमिशन लेना है मध्य प्रदेश में, तो इसकी जो वेबसाइट है वो hed.mp ऑनलाइन है। ठीक है, यहाँ से उन स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन होंगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, केवल वही स्टूडेंट यहाँ पर बीएड एमएड कर सकते हैं। जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनको बीएड एमएड करने के लिए hed.mponline.gov.in वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर डीएलएड काउंसलिंग पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसकी पूरी वेबसाइट है, आप देख लेना यहाँ पर। ठीक है, इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डीएलएड काउंसलिंग पर। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट राउंड अभी स्टार्ट हुआ है और इस पर हम क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शंस पर, तो यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई देती है सबसे नीचे। यहाँ पर दिखाई देगा कि एक बार प्रोफाइल लॉक होने के पश्चात किसी भी जानकारी को बदला नहीं जा सके, तो यहाँ पर आप जो भी डिटेल फिल करें सही से देख कर ही करना, अन्यथा भी दिक्कत हो जाएगी। काउंसलिंग गतिविधियों में यहाँ पर आपकी काउंसलिंग गतिविधियां दिखाई देंगी, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, डुप्लीकेट रिसिप्ट वगैरह, रिसेट पासवर्ड वगैरह, ये सभी चीजें निकाल पाएंगे। अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, 13 मई से स्टार्ट हो गया और 26 मई तक हमारा जो कि फर्स्ट राउंड चलने वाला है। अभी हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन का भी फर्स्ट राउंड है जो कि 13 मई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 13 मई से स्टार्ट हुआ है और 26 मई तक हमारा रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद हमें चॉइस प्लिंग करनी होगी। अभी चॉइस प्लिंग का लिंक है जो कि अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक आध दो दिन में चॉइस प्लिंग का भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा मैं आपको चॉइस प्लिंग करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि रजिस्ट्रेशन की फीस रखी गई है 50 रुपये। एक बात का आप ध्यान रखना, जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो जो भी डेटा फिल करें वो सही तरीके से फिल करना है। एक बार डेटा फिल होने के बाद आप अगर अपना फॉर्म लॉक कर देंगे तो फिर बाद में एडिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जो दूसरी नंबर पर लिंक दिया गया है इसका आप यूज कब करेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट करने के बाद आप इसकी जो रिसिप्ट होती है वो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो बाद में आप इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर वाली लिंक का आपको यूज कब करना है मैं बताऊं। आपने मान के चलिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पेज को आपने बीच में से छोड़ दिया, तो आप जब आप बीच में से छोड़ देते हैं या आपके पास में एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, ठीक है, तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। एप्लीकेशन नंबर आने के बाद में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप अपना दोबारा से पेमेंट कर पाएंगे। जब आप अपना पूरा फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते, तो तीसरे नंबर वाली लिंक से आप अपना पेमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है, चौथे नंबर वाली लिंक से अपना पासवर्ड रिसेट कर पाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं जल्दी से। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है, यहाँ पर हमें चेक मार्क करके कंटिन्यू कर देना। ठीक है, चेक मार्क हमने कर दिया, कंटिन्यू करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे इसके अगले पेज पर। यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई देगी कि हमने जो 12वीं क्लास पास किया है वो एमपी बोर्ड से किया है या नहीं किया है। अगर हमने एमपी बोर्ड से 12वीं क्लास किया है तो हम हाँ करेंगे, अगर हमने एमपी बोर्ड से नहीं किया है तो हम ना करेंगे। ठीक है, जब हम एमपी बोर्ड से 12वीं क्लास पास करते हैं तो हमें हाँ करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि हमने 12वीं क्लास कब पास आउट किया है। ठीक है, जब हम ईयर सेलेक्ट करेंगे तो पेज रिप्रेस होगा, रिप्रेस होने के बाद रोल नंबर डालेंगे, इसके बाद 12th का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, मम्मी का नाम डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर नो तभी सेलेक्ट करना है, यानी कि नहीं आपको तभी सेलेक्ट करना है जब आप एमपी बोर्ड के नहीं, आप अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं, तब नो सेलेक्ट करना। जैसे नो सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम नो करते हैं तो हमारे सामने फॉर्म तो सेम आता है, लेकिन उसमें जो डेटा फिल किया हुआ आता है ना, यस वाले ऑप्शन में डेटा फिल किया आता है, जैसे अगर मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना नेम डेटा फिल किया हुआ आता है, लेकिन जो दोस्तों जब हम यस कर रहे हैं तभी डेटा फिल किया हुआ आता है, जो
क्योंकि हमारी डिटेल को कैप्चर कर लेता है। जब हम नो करेंगे अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट की डिटेल एमपी बोर्ड पर नहीं है तो फिर वो डिटेल को कैप्चर नहीं कर पाता है, आपको पूरी डिटेल फिल करनी होती है। तो चलिए हम यहाँ पर यस करेंगे, यस जैसे ही करेंगे अपना डेटा फिल करेंगे, यानी कि हम अपनी 12वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर फिल करते हैं। तो इसके बाद में होगा क्या कि हमारी 12वीं क्लास की जो भी डिटेल फिल होगी, जो डिटेल होगी वो हमारे सामने दिखाई दी जाएगी, हमारी कितनी परसेंटेज आई, कितने नंबर थे, सारी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद वेरीफाई डिटेल एंड प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि हमारा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो कि डिटेल फिल की हुई आ जाती है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी डिटेल है जो कि फिल की हुई आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमें अब क्या करना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को बाय जो कि डिफॉल्ट फिल कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रिलीजियन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना, मध्य प्रदेश के अदर स्टेट। जब आप मध्य प्रदेश सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का है, स्वघोषित प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है, ठीक है, और कहीं पर आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे ही प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो डालना है, जो कि RS-419 से स्टार्ट होता है वो डाल देना। प्रमाण पत्र आपका कब बना था, कहाँ से जारी हुआ है, यानी कि किस जगह से जारी हुआ है। जैसे कि आपका तहसीलदार से हुआ है, नायब तहसीलदार, तो यहाँ पर नायब तहसीलदार और तहसीलदार सेलेक्ट करें। लेकिन जो तहसीलदार है वो आपका कहाँ बैठता है, जैसे कि हमारा ग्वालियर बैठता है, तो आपका जहाँ पर भी तहसीलदार बैठता है या एडिशनल तहसीलदार बैठता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि फिल करना होगा कीबोर्ड से, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें दोस्तों अपनी जो कैटेगरी है वो फिल करनी है, ठीक है। जनरल कैटेगरी है और EWS कैटेगरी है। अगर ये दो कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे तो आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जब आप OBC SC ST सिलेक्ट करोगे तो आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, और जाति प्रमाण पत्र का हमें नंबर फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जनरल सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम जनरल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें कोई भी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह हमें चीज़ें फिल नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी चीज़ें ब्लर हो चुकी है, लेकिन हम जब OBC SC ST सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें अपने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल फिल करनी होती है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, अपने परिवार की वार्षिक आय डालनी है। तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होगा, उसमें आपके परिवार की जो भी वार्षिक आय है वो फिल कर देना, ठीक है। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विस मैन है, तो यहाँ पर नो कर देना, यहाँ पर भी नो कर देना है। अगर आप जो कि विकलांग है तभी यहाँ से यस करना। इसके बाद शासकीय शिक्षक है या नहीं है तो नहीं पर सिलेक्ट करना, अगर है तो वहाँ पर सिलेक्ट करना। इसके बाद 10वीं क्लास की डिटेल आपको फिल करनी, क्योंकि आपकी 12वीं क्लास की डिटेल तो बाई डिफॉल्ट फिल हुई है, तो यहाँ पर 10वीं क्लास की केवल डिटेल फिल की हुई है। अगर आप अदर स्टेट के तो आपको 12वीं क्लास की भी डिटेल जो कि फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल है जो की पूरी फिल कर देना, 12वीं 10वीं क्लास की। कोई आसान काम है, सिंपल सा काम है, ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आप आसानी से जो कि कर पाएंगे। इसके बाद में हमें अपना एड्रेस फिल करना है, तो जो भी हमारा एड्रेस है वो सारा का सारा एड्रेस आप अपना फिल कर देना, ठीक है। तो दोस्तों एड्रेस फिल करना भी कोई कठिन काम नहीं है, आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा है वो सारा का सारा एड्रेस है जो कि आप फिल कर देना है। यहाँ से आप अपना स्टेट मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, अपना फोटो अपलोड करना। जो फोटो का जो साइज रखा गया है वो 10 से 100 KB के बीच में ही रखा गया है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि 10 से 100 KB के बीच में हमारा फोटो होना चाहिए, इससे ज़्यादा का फोटो होगा तो अपलोड नहीं होगा। यहाँ पर हमें शाइन अपलोड नहीं करना है, केवल और केवल हमें अपना फोटो ही अपलोड करना है, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो जहाँ पर हमारा फोटो है उसे सिलेक्ट करने की चॉइस फाइल पर सिलेक्ट करना, जहाँ पर फोटो रखा है वहाँ सेलेक्ट कर लेना और आपका जो फोटो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं हम। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब आप अपना फोटो गलत डायमेंशन का गलत साइज का अपलोड करोगे तो फिर एरर आ जाएगा। मैं बता दूं कैसा एरर आता है, जब हम अपना गलत फोटो अपलोड करते हैं गलत साइज का तो इस तरह का एरर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि प्लीज अपलोड प्रॉपर फोटो। तो हमें अपना एक प्रॉपर फोटो अपलोड करना है, और जैसे ही हम अपना एक प्रॉपर फोटो अपलोड कर देते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना, नहीं तो फिर आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आपको अपना फोटो अपलोड करना नहीं आता है, ठीक है, यानी कि उसका साइज बनाना आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊं कि हमें अपना साइज फोटो का 1 मिनट में ही कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम ओके करेंगे। अब हमें अपना कुछ डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है, 10वीं की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप OBC SC और ST के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर आपसे जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा।
और इनके जो साइज रखे गए हैं वो रखे गए हैं 50 से 200 KB, ठीक है, 50 से 200 KB के बीच में ही आपको अपलोड करना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चॉइस फाइल पर क्लिक करना, जहाँ पर भी आपका फोटो है सेलेक्ट कर लेना, यानी कि डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट की साइज बनाकर रख रहा है 200 KB तक। अगर आपको डॉक्यूमेंट की साइज बनाना नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करना। हमारा जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पर सिलेक्ट करना है, अपलोड पर क्लिक करना है, इसके बाद अपलोड हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं अपलोड करते जाना है। इसके बाद यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड हुए हैं, जहाँ पर जो ब्लू कलर में जो लिंक है इन लिंक पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, वैलिडेट इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ पॉपअप विंडो आएंगे, 4 बार विंडो आएंगे, इन पर 4 बार ओके करना होगा आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है, 4 बार यहाँ पर ओके कर देना। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करना है। अब हम ओके कर देंगे यहाँ से। जैसे हम ओके करते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना, इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना। अगर दोस्तों अपने फॉर्म को आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एंड अपडेट पर क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं, फिर बाद में एडिट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करके 50 रुपये का हमें पेमेंट कर देना है। हमने ओटीपी फिल कर दिया, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके माध्यम से हमें पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, जिसके माध्यम से भी करना है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हमें 50 रुपये का पेमेंट करना है, सबमिट कर देना। चलिए पेमेंट कर दे। पेमेंट होने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जो कि हमारे पास पहले ही आ चुका था, लेकिन हमने जो भी पेमेंट किया उस पेमेंट की डिटेल हमें दिखाई दी जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है। जैसे हम सबसे नीचे आ जाते हैं, इसके बाद में सबसे नीचे आने के बाद इसका प्रिंट आउट हमें निकाल लेना। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रिंट का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अब दोस्तों हमें चॉइस प्लिंग का इंतजार करना है। जैसे चॉइस प्लिंग स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलता है अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक बाय।